अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी, लेक्चर नंबर 38, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं इलनेस को या कोई भी इंजरी हो सकती है उसको। इसका एम होता है स्टॉप करना और रिवर्स करना प्रॉब्लम को। बहुत सारे केसेस में जिस तरह से कोई लोग डेवलप कर देते हैं अल्सर को, इसकी एग्जांपल दी जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करता है, इंक्लूड करता है पर्सन के सिम्टम बेस्ड बिहेवियर को, ऑफ सीकिंग मेडिकल केयर, ठीक है, एब्डोमिनल पेन के लिए फिजिशियन प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस एंड द पेशेंट सिक रोल बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग द डॉक्टर्स। और क्या करता है पेशेंट, वो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर अदर हेल्थ प्रॉब्लम में क्या होता है, फाउंड करती है डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है मंथ में एंजियो रीजन में फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, एग्जामिनेशन करना है उसका डेंटल विजिट के दौरान, फ्री ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एट शॉपिंग मॉल्स और असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विजन हेयरिंग एट स्कूल हो सकता है। बहुत सारे फिजिशियन और एडल्ट पेशेंट्स जो हैं प्रैक्टिस करें सेकेंडरी प्रिवेंशन को कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए हर साल। और दिस चेकअप आर कॉस्टली इन टाइम एंड मनी, दे कंसिस्ट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एट्सेट्रा एंड अ वैरायटी ऑफ एक्सरे एंड लेबोरेटरी टेस्ट इसमें आ जाते हैं। और जिस तरह से अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रिकमेंड किया वुमेन को कि उन्हें मैमोग्राम्स कराने हैं, ब्रेस्ट एक्सरेज, ठीक है, एनुअल आफ्टर द एज ऑफ 40 मीन्स के मस्ट है, और लेस फ्रिक्वेंटली एट यंगर एज, और अडल्ट जो ओवर हो जाते हैं 50 ईयर से उन्होंने लाजमी कोलन इंस्पेक्शन कराना है हर 5 साल के बाद। इंडिविजुअल जो कि नहीं है हेल्दी आर कंसिडर टू बी एट हाई रिस्क, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ पास्ट इलनेस की वजह से उनका हाई रिस्क हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी और हैजर्ड्स वर्क कंडीशन की वजह से भी उनमें ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। वोमेन जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है पुट देम एट रिलेटिवली हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग, मीन के जिनकी फैमिली में है ब्रेस्ट कैंसर तो उनको लाजमी मेमोग्राफ कराना है अदर वुमेंस की नस्बत, और अनलेस द रिस्क इज एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब टू देम। एल्डरली मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास वुमेन में क्या है मेन रीज़न फॉर नॉट हैविंग मेमोग्राफ्स आर फियर्स ऑफ पेन एंड रेडिएशन, मीन उनको ये डर होता है कि पेन होगा या रेडिएशन दिए जाएंगे। टेरिटरी प्रिवेंशन में क्या है, जब सीरियस इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या है प्रोग्रेस बियॉन्ड अर्ली कंडीशन, ठीक है, स्टेज पे चला जाता है और इस कंडीशन ये लेड करता है लास्टिंग और इरिवर्सिबल डैमेज को। टर्शरी प्रिवेंशन इन्वॉल्व करता है एक्शन टू कंटेन और रिटार्डेड दिस डैमेज, प्रिवेंट करता है डिसेबिलिटी को और रिअकरेंस को और रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट को। और पेशेंट्स विद सीवियर आर्थराइटिस फॉर इंस्टेंस टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड करेगा एक्सरसाइज फॉर फिजिकल थेरेपी एंड टेकिंग मेडिकेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन ऑफ पेन, मीन के ये लास्ट उसमें चला जाता है, उसमें थोड़ा आगे लेवल का देखा जाता है काम। और ट्रीटमेंट जो होता है कैंसर के लिए गोल में इसका सिंपली क्या है, टू कीप द पेशेंट रीजनेबली कम्फर्टेबल एंड द डिजीज इन रिमिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। प्रॉब्लम इन प्रोमोटिंग वेलनेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इलनेस एंड इंजरी जो है कैन बी थॉट ऑफ एन ऑपरेटिंग एज अ सिस्टम, जिसमें इंडिविजुअल और उसकी फैमिली क्या करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स को विजिट करते हैं, कम्युनिटी जो है अपना रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या होगा, एवर्ड ने क्या कहा, मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स इम्पेयर कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सिस्टम, हर कंपोनेंट अफेक्ट हो सकता है दूसरे से। फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल क्या है, पीपल जो कंसिडर करते हैं उन वेज को जो प्रमोट करते हैं देयर हेल्थ ऑफन फेस एंड अपहिल बैटल विद देमसेल्फ, मीन के उन्हें एक तरह की जंग ही करनी पड़ती है अपने साथ। और वन प्रॉब्लम इज डैट मैनी हेल्पफुल बिहेवियर्स आर लेस क्लियरेबल देन द अनहेल्पफुल अल्टरनेटिव, मीन्स जो हेल्पफुल बिहेवियर हैं वो इतने क्लियरेबल नहीं होते अनहेल्पफुल अल्टरनेटिव से, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अडॉप्ट करने में वेलनेस स्टाइल
एक्वायर करते हैं इंडिविजुअल को चेंज करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बिहेवियर एंड डेट हैव बिकम हैबिचुअल एंड मैनी इन्वॉल्व एडिक्शन एज इन सिगरेट स्मोकिंग हैबिचुअल एंड एडिक्टिव बिहेवियर्स आर मोर आर वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई. और थर्ड प्रॉब्लम क्या आ जाता है, पीपल हु आर करंटली हेल्दी ऑफन हैव लिटिल इमीडिएट इंसेंटिव टू प्रैक्टिस हेल्पफुल बिहेवियर पार्टिकुलरली इफ द बिहेवियर इज अनअपीलिंग आर इनकन्वीनियंट. डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेलनेस में क्या आ जाता है, बींग हेल्दियर एंड मोर फिट आर नॉट इमीडिएट एंड द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट प्रैक्टिसिंग हेल्थ बिहेवियर. ठीक है, सीरियस इलनेस में नेवर मैटरलाइज. और कहता है मोर ओवर इवन वेन इंडिविजुअल्स नो दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम, जिस बंदे को पता है कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, ऑल टू फ्रिक्वेंटली दे ड्रॉप आउट ऑफ ट्रीटमेंट और फेल टू फॉलो अप सम रिकमेंडेशंस. मीन वो रिकमेंडेशंस को फॉलो ही नहीं करते, उस पर अमल ही नहीं करते, तो उसकी वजह से वो स्पेयर कंडीशंस में चले जाते हैं. जब पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बंदे की लाइकलीहुड टू अडॉप्ट देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अडॉप्ट हेल्पफुल बिहेवियर. ठीक है, फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, उनके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मॉडल ऑफ मॉडल द बिहेवियर और रिसीव करते हैं सोशल सपोर्ट इनकरेजमेंट और ट्राई करते हैं चेंज करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को. जो लोग रहते हैं फैमिली सिस्टम के साथ इनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम्स को इन देयर एफर्ट टू प्रमोट वेलनेस. और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कम अबाउट बिकॉज फैमिली इज़ कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ईच विद हिज और हर ओन मोटिवेशन एंड हैबिट्स. कुछ को खुद की ज़ात से ही को सेटिस्फाई करना है. और फैक्टर्स इन द कम्युनिटी में क्या आ जाता है, पीपल आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट हेल्थ बिहेवियर्स इफ दिस बिहेवियर्स आर प्रमोटेड और इनकरेज बाय कम्युनिटी. मीन के वो लोग जिनको कम्युनिटी गाइड करती है, अप्रिशिएट करती है, वो अच्छे फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे, खुद पे उन पे अमल करेंगे. और हेल्थ प्रोफेशनल्स फेस करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्राई करने में प्रमोट वेलनेस को. वन प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है नॉलेज रिगार्डिंग टू देयर पेशेंट. ठीक है, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के बारे में कम माइंडली फ्रॉम द पेशेंट हुज रिपोर्ट में भी डिस्टॉर्टेड. सेकंड क्या है, नॉलेज प्रोफेशंस प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, नीड टू हेल्प पीपल लेट मोर हेल्थफुल लाइव्स इज इनकम्प्लीट. दे नीड मोर इंफॉर्मेशन टू नो, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. और बैकग्राउंड अगर देखा जाए, फोकसिंग ऑन ट्रीटमेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशन स्टिल हैव द इट्स इन्फ्लुएंस. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या है, ट्रेडिशनली फोकस करते हैं देयर अटेंशन ऑन ट्रीटिंग रदर देन प्रिवेंटिंग इलनेस एंड इंजरी. बट दिस फोकस हैज़ बिगिन टू चेंज एंड फिजिशियंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन प्रिवेंशंस. What determines people's health related behavior? क्या चीज़ determine करती है, average person describe करता है helpful behavior को and generate करता है fairly complete list. Don't smoke, don't drink too much and don't drive. If you do drink, मतलब जब आप drunk हो, अपने drink किया हुआ है तो drive मत करो. Eat balanced meat, don't overeat. Mean के balance eat खाना है, ज़्यादा नहीं खाना. गेट रेगुलर एक्सरसाइजेस बट प्रैक्टिसिंग दीज एक्ट्स इज अनदर मैटर. सुनने में और प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा फर्क है. और फैक्टर्स जो हैं डिटरमाइन करते हैं फॉर पीपल्स हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स को, नॉट सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकती, इंस्टेड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर आ जाते हैं, सेवरल प्रोसेस अफेक्ट करते हैं पीपल्स हेल्थ हैबिट्स. ठीक है, एक इसमें फैक्टर हेरिडिटी आ जाता है, जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स को. एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल. ट्विन स्टडी एंड एडॉप्टेशन स्टडी कंफर्म करती है कि हेरिडिटी प्ले करती है रोल डेवलपमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म में.
फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल लर्निंग फैक्टर्स इन हेल्थ केयर रिलेटेड बिहेवियर रीइन्फोर्समेंट दी जाए, मीन्स कि जो बंदा कोई गलत काम छोड़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई भी हैबिट वो चेंज कर रहा है तो उसको रीइन्फोर्समेंट देनी चाहिए, एक्सटेंशन टेक्निक लगानी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस इसमें क्या है मेंटेन करना है, बिहेवियर एलिमिनेट करना है, रिस्पॉन्स टेंडेंसी ग्रेजुअली वीकन्स द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस एक्सटेंशन एग्जिस्ट ओनली इफ नो अल्टरनेटिव मेंटेन स्टिमुलस रीइन्फोर्स फॉर द बिहेवियर हैव सप्लीमेंटेड और टेक द प्लेस टू द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंसेज पनिशमेंट, अगर कोई बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए और उससे उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग मॉडलिंग की टेक्निक अप्लाई करनी है, मॉडलिंग में क्या है दूसरों को देख के सीखना है, अच्छी चीज़ों को अप्लाई करना है। हैबिचुएशन में क्या है बिहेवियर अगर आपका इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, टेंड टू बी हैबिचुअल दैट इज़ द पर्सन ऑफन परफॉर्म इट ऑटोमेटिकली और विदाउट अवेयरनेस। इसमें एग्जाम्पल क्या है जो बंदा है स्मोक करता है और हैज़ अ हेड कोल्ड माइट बी इंगेज इन एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स टू द साइट ऑफ अ ओपन पैक ऑफ सिगरेट बाय ऑटोमेटिकली रीचिंग आउट टेकिंग वन एंड स्टार्टिंग द स्मोक विदाउट एट ऑल बींग अवेयर ऑफ मतलब सारी चीज़ों का पता होने के बाद भी वो करेगा क्योंकि वो हैबिचुअल है और इस बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।